भाई यज्ञ शर्मा की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज हमारे सामने खड़ी है भाई बलेनो डेल्टा। 1200 cc का इसमें इंजन आता है जो कि 83 bhp की पावर निकालता है। आपने अगर इसकी रिव्यू वाली वीडियो नहीं देखी तो आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके देख सकते हैं आप। आज गाड़ी को भाई चला के देखने वाले हैं कि गाड़ी चलने में कैसी है। पेट्रोल वेरियंट है, जैसे आपको पता है कि मारुति ने डीजल बनाना बंद कर दिया है, पेट्रोल वेरिएंट है आज हमारे सामने। तो वैसे तो भाई आप जानते हो कि इनके मारुति के बहुत रिफाइंड इंजन होते हैं। एक बार आप सुनना भाई इसकी रिफाइनमेंट सुनना, मतलब मारुति की, बस मतलब स्टार्ट होने पे आपको करेगा कि हाँ भाई गाड़ी में स्टार्ट हुई है, और उसके बाद तो भाई कुछ है नहीं। मतलब एक बंदे ने, मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, उसने कहा था कि भाई अगर मैं पानी का भरा ग्लास मारुति गाड़ी के अंदर रख दूँ ना खड़ी के अंदर, तो वो पानी जो वाइब्रेशन होती है ना वो भी नहीं होगी। मारुति इतना रिफाइंड इंजन बनाता है। एसी ऑफ है भाई, मैं जब कहूँ तो एसी ऑन कर देना, मैं आपको दिखाता हूँ इंजन कितनी आवाज करता है इसकी बिना एसी के। ये देखो भाई, मतलब बाहर खड़ा हूँ कुछ आवाज ही नहीं है यार। स्विफ्ट का भी ऐसा ही इंजन है। ये देखो, ये बिना एसी के इसकी आवाज है इस इंजन की। जब एसी चलेगा तो ये पंखा भी चल जाएगा। ये बिना एसी की आवाज है भाई। एसी ऑन करना, ये देखो भाई एसी ऑन हो गया। और ऐसी कुछ इसने, मतलब एक जो ये ट्रिप मारती है ना पेट्रोल गाड़ी, बस वही है। ये पंखा चल गया, पेट्रोल की गाड़ी तो एसी पे ट्रिप मारती ही मारती है भाई। अब ये देखो इसका 800-900 इतने पे ही कुछ RPM होगा। तो गाड़ी को चला के देखने वाले हैं भाई। ये हमने डाला गाड़ी में फर्स्ट गियर और सेम वैसे ही उठ रही है भाई। फर्स्ट गियर में बहुत अच्छा 2000 तक अपना बढ़िया जा रही है। और तो जैसे ही आप गियर डालते हैं ना भाई, तो यहाँ पे आपको गियर भी दिखा देता है कि कौन से गियर में चल रहे हो। जैसे डॉट बनी है तो आप सेकंड गियर में चल रहे हो। टेम्परेचर वगैरह आपको दिखा देता है। ये चीज जो है ये स्विफ्ट के VXI वाले वेरियंट में नहीं आती है, टेम्परेचर वगैरह। वो उसमें एरो आते हैं कि गियर बदल लो या डाउन कर लो ऐसा। RPM हाई जाएगा जैसे इसका, तो वो गियर चेंज करने के लिए बताएगा। जैसे देखो डाउन, अभी डाउन के लिए बता रहे हैं। हाँ ये तो बताता है, लेकिन वो नहीं बताता नंबर, खाली एरो दिखाता है ऐसा कुछ। भाई गाड़ी का डैशबोर्ड दिखता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल गाड़ी में आता है। 18.5 पे चल रहा है, बढ़िया है, ठीक है। हॉर्न कुछ सुन लो आप इसका, कंपनी का ही हॉर्न है भाई, ऐसा कंपनी इसमें देती है। ये हम डिप पर ऑफ कर लेते हैं, ठीक है यार। वैसे तो बढ़िया है, देखो गाड़ी चलने में तो मेरे को कोई समस्या आ नहीं रही चलाने में। स्विफ्ट जैसी है बिल्कुल सेम, कुछ फर्क नहीं है इनमें। जैसे मैं स्विफ्ट को उठाता हूँ वैसी ये भी उठती है, कुछ भी फर्क नहीं है। गाड़ी चलाने में अच्छी है यार, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपको ये लगता है कि आप कुछ कंट्रोल में अपने में चला रहे हो। और इंफोटेनमेंट की अगर हम इसकी बात कर लें तो इसमें एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड तो कुछ नहीं आता। ये खाली सिर्फ साइड के ये जो है ये टच के वर्किंग है, ये बीच वाली स्क्रीन भाई वर्किंग नहीं है। पीछे भी आपको वाइपर मिल जाता है इसमें, ऐसा कुछ इसमें आप हाथ से एडजस्ट करने वाले। IRVM गाड़ी को थोड़ा सा भाई खींच के देखते हैं। अभी तीसरे गियर में चल रही है, ये देखना आप 2000 के बाद थोड़ी पावर दिखाती है यार। लेकिन तीसरे गियर तक बलेनो और स्विफ्ट दोनों में अगर बोलूं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये गाड़ी जो दबती है ना ये चौथे गियर में दबती है। जैसे ये वाली जो स्विफ्ट थी भाई, इसकी तो खैर बराबरी ही नहीं है, इसकी तो कितनी तारीफ कर लो उतनी इसकी कम है भाई। अब सेकंड गियर में मैं जरा आपको दिखाता हूँ कहाँ तक जाती है। जैसे मेरी स्विफ्ट भाई 90 तक चली जाती है सेकंड गियर में। ये जा रही है आपका 5000-6000, बस लैग मार गई, 90 तक गई है भाई। अभी ये वाली भी बिल्कुल 90 तक जाती है एसी ऑन में, वो भी एसी ऑन में ही 90 तक जाती है भाई। सेकंड गियर में तो 100 पे नहीं चढ़ती। अभी आपको मैं एक बार 0-100 भी इसका करके दिखा देता हूँ स्विफ्ट के। मैं भाई स्विफ्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो मारुति की अगर तो गाड़ियां लेने जाते हैं तो प्रीमियम हैचबैक्स में आती है बलेनो। इसमें आपको फीचर वगैरह ज्यादा मिल जाते हैं, गाड़ी देखने में भी थोड़ी स्विफ्ट से ज्यादा अच्छी है। स्विफ्ट थोड़ी लगती है यार थोड़ी, मतलब रूरल टाइप की गाड़ी है, गाँव वाँव में ज्यादा चलने के लिए। लेकिन जैसे भाई हम तो गाँव के हैं तो हम तो यही बताएंगे गाँव के आदमी के पास मिल जाएगी। प्लस बलेनो की थोड़ी पब्लिक अटेंशन भी थोड़ी अच्छी है, बलेनो को मिल जाती है। इसमें भाई ऐसे कुछ आपको इसमें कंट्रोल्स मिलते हैं 0-100 में, आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। एसी ऑफ कर देता हूँ, ये देखो भाई फैन भी ऑफ कर दिया। ये भाई यहाँ पे हमारी स्टॉप वॉच चला देगा और हम आपको 0-100 करके दिखाते हैं। ये देखो भाई एसी बिल्कुल ऑफ है, 0-100 करके दिखा देते हैं। मैं पहले आपको बता दूं स्विफ्ट 12 सेकंड में चढ़ती है, देखते हैं ये कितने सेकंड में चढ़ेगी 0-100 तक। आगे से कुछ ये बाइक वगैरह आ रही हैं तो इसलिए हम रुके हुए हैं, देखते हैं इनका क्या हिसाब रहता है। बाकी यार मतलब गर्मी इतनी हो रही है कि थोड़ा सा शीशा बंद कर लो, एसी थोड़ी देर ऑफ कर दो तो बहुत गर्मी लगने लग जाती है। रिजर्व में आई हुई है भाई गाड़ी, जैसे आपको पता है मारुति गाड़ियां रेंज दिखानी बंद कर देती हैं रिजर्व में, जैसी आती है डैश डैश कर देती हैं, तो हमें कोई रिजर्व में रेंज दिखा नहीं रही। बाकी ओनर का ये कहना है कि कितने की एवरेज दे देती भाई? 15-16 प्यार से दे देती है अगर आप प्यार से चला रहे हो तो। नहीं कैसे ही चला लो। अच्छा 15-16 देगी देगी पेट्रोल में भी, ठीक है भाई। जैसे ही भाई मेरा हमारे टायर स्पिन होंगे भाई ये स्टॉप वॉच अपनी शुरू कर देगा।
14-18 में चढ़ी है भाई ये बलेनो। एक बार दोबारा करके देखते हैं, दो राउंड कर लेंगे। ऐसे 14 में नहीं, 13 तक में चढ़ जानी चाहिए ये। इसमें थोड़ा वेट ज़्यादा है भाई, तो मैं आपको स्विफ्ट का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि भाई जब मारुति की गाड़ी देखने के लिए जाते हैं तो लोग अगर हैचबैक देख रहे हैं तो दो गाड़ियों के लिए ही जाते हैं मारुति में, या एक तो बलेनो और एक ये स्विफ्ट। इस रोड पे लेके देखते हैं एक बार, ये रोड भी ठीक है भाई। पहले राउंड में कितना आया था भाई? 14 सेकंड में भाई पहले राउंड में चढ़ी थी। एक बार दोबारा करके देख लेते हैं इसको। एसी देख लो भाई, ऑफ है हमारी गाड़ी का। आप लोग मीटर पे नजर रखना, 100 पे जैसी चढ़ जाएगी। ठीक है, सेकंड गियर में जाती है भाई ये 90 तक। 5000, 6000 और ये कितने सेकंड में चढ़ी है भाई? 1288 में चढ़ी है ये बलेनो 0-100 तक। वो बीच में भाई ने थोड़ी लेट शुरू करी थी इसीलिए। तो ऐसी कुछ भाई ड्राइविंग एक्सपीरियंस था, बढ़िया यार गाड़ी चलाने में। मतलब मारुति की यार ऐसी ये जो गाड़ी है ना पेट्रोल, ये गाड़ियाँ यार गर्मी के लिए, एसी में ये गाड़ी दबती है। चाहे स्विफ्ट ही क्यों ना हो, एसी अगर आप इसका चला लोगे तो भाई गाड़ी दबेगी। देखो भाई ये आने शुरू हो गए, ये ड्रैग रेस कर रहे हैं, यही जीतेंगे भाई। यार एसी में गाड़ी थोड़ा दबती है, थोड़ा झुकाव तो मानती है। बाकी ये है कि फोर्थ गियर में भी आप 30 की स्पीड पे उठा लोगे तो ऐसे गड़गड़ नहीं मानेगी। बहुत बढ़िया रिफाइंड इंजन है तो गाड़ी उठ रही है आराम से। एसी बहुत बढ़िया है भाई बलेनो गाड़ी का। अभी तो ऑटो पे कर रखा है, 2 पे भी बढ़िया चिल्ड कर देता है ये। तो ऐसी कुछ वीडियो थी भाई, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।